बिग बॉस बिग बॉस बिग बॉस एक ऐसा टट्टी शो जिसमें 10 से 11 नहीं, 10 से 11 कुत्तों को नहीं, 10 से 11 इंसानों को वापस भेजा जाता है, और वो इंसानों को वापस जाने के बाद सिर्फ एक ही काम रहता है। इस शो में जाने से पहले ये सब भी अपने तरह एक नॉर्मल इंसान ही रहते, फिर शो में जाने के बाद इनके साथ कुछ ऐसा हादसा होता है और फिर ये अपने असली रूप में आ जाते। तो गाइज अभी तक आप सब समझ ही गए आज का वीडियो का टॉपिक क्या है। तो गाइज आज हम इसी बिग बॉस घर के बारे में कुछ बातें बोलने वाले हैं, और इसी बिग बॉस घर में हमारे यूट्यूब कम्युनिटी के दो बंदे भी जा चुके हैं, उसमें से सेकेंड नंबर वाले बंदे के बारे में आज हम बात करने वाले। तो गाइज हम जिस सेकंड नंबर वाले बंदे के बारे में आज बात करने वाले हैं उसको आपने कहीं ना कहीं जरूर देखा होगा, वरना कहीं ना कहीं उसका ये वाला वर्ड तो जरूर सुना ही होगा। तो आई होप आप सब समझ ही गए होंगे मैं किसके बारे में बात कर रहा हूँ, और जिन जिन लोगों को अभी तक समझ में नहीं आया मैं किसके बारे में बात कर रहा हूँ, प्लीज़ अपना यूट्यूब ओपन करें, यूट्यूब में जाके ये वाला गाना एक बार सर्च करके देख ले। तो गाइज मैं बात कर रहा हूँ अपने येलुश भाई के बारे में जो रिसेंटली बिग बॉस के घर में गए हुए हैं, और ये सुनने के बाद कई लोगों को झटका लगा होगा और वो सब बोल रहे हो कि येलुश भाई बिग बॉस के घर में कैसे, क्योंकि उन्होंने खुद ही बिग बॉस को रोस्ट मारा था और बोला था कि मैं बिग बॉस के घर में जाऊँगा नहीं। तो हुआ यूँ कि कुछ दिन पहले पुणे सुपरस्टार, हाँ वही जिन्हें हर रास्ते में स्विमिंग पूल नजर आता है, और वो तो कुछ दिन पहले ये भी गए हुए थे बिग बॉस के घर में, और बिग बॉस के घर में जाकर भी उन्होंने वही हरकतें की जो वो बाहर करते थे। मेरे को तो टूथपेस्ट लगाने की आदत है, ये देखिए दो टूथपेस्ट खत्म कर दिए मैंने, अब मुझे नहीं पता सवेरे जिससे करना है करो, मिट्टी से करेंगे सारे जितने भी आए हुए हैं। तो बिग बॉस ये मौका खेल करने वाला हूँ मैं। तो गाइस पुणे सुपरस्टार के हरकतें देखने के बाद बिग बॉस के ऑडियंस को तो बहुत मज़ा आ रहा था, पर बिग बॉस को बिल्कुल भी मज़ा नहीं आ रहा था बिग बॉस, क्योंकि एक इतना बड़ा एक शो है, इतना बड़ा एक प्लेटफॉर्म है जहाँ पे जाके तुम ऐसे हरकतें करोगे तो बिग बॉस को कैसे पसंद आएगा। कुछ दिन तक बिग बॉस ने नोटिस किया, और कुछ ही दिनों बाद बिग बॉस ने एक डिसीजन लिया, कुछ ही क्या दूसरे ही दिन बिग बॉस ने एक डिसीजन लिया और पुणे सुपरस्टार को घर से कर दिया। पुनीत इसी बार ये घर छोड़कर बाहर आएंगे, ठीक है बिग बॉस। पर इस भाई के अभी तो चुल खत्म नहीं हुई थी, और इसने जाते जाते बिग बॉस के खिलाफ ऐसा कुछ बोल के गया, और बिग बॉस को ये अपील करूंगा कि बिग बॉस ओटीटी कोई ना देखे भाई, क्योंकि अगर तुमने पुणे सुपरस्टार के साथ नाइंसाफी करी ना तो कोई भी तुम्हारा ओटीटी नहीं देखेगा। एक एक हिंदुस्तान के एक एक कोने तक, एक एक कोने तक मेरी आवाज जाएगी, एक एक इतिहास के पन्नों में मेरे डायलॉग लेकर जाएंगे, एक एक रिक्शे वाला रेडी वाला ठेली वाला दुकानदार काम धंधे वाला बिजनेस वाला ये वाला वो वाला पुणे सुपरस्टार का चर्चा होगा। पुणे सुपरस्टार की ये बातें सुनने के बाद बिग बॉस के ऑडियंस भी बढ़ गए, और बिग बॉस को उन्होंने दिया सिर्फ एक रेटिंग, और पूरा जियो सिनेमा ऐप गिरा दिया। तो गाइस ये सब होने के बाद बिग बॉस और जियो सिनेमा ऐप, अरे मुझे चक्कर आने लग गया अब, अरे मैं लड़की चले गए, फिर क्या हुआ, फिर क्या, अगले दिन अपने मोहल्ले में गुलामी ना होवे देख किसे साले की सुन तेरे यार राव साहब है। जैसे ही सिस्टम ने राव साहब ने घर में एंट्री ली, वैसे ही बिग बॉस की ऑडियंस और जियो सिनेमा की रेटिंग 4 गुना बढ़ गई, और ऐसी बड़ी तो आई होप गाइस ये वीडियो देखने के बाद आप सबको पता ही चल गया होगा कि बिग बॉस के घर में येलुश भाई कैसे गए, और जाने के बाद जो उदम मजा रहे वो मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। और अगर आप सबको ये वीडियो पसंद आई होगी तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच, धन्यवाद, बाय बाय, गुड नाइट गाइज़।